तो रेलवे के लगातार क्लासेस चल रहे हैं और आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो डेडिकेटेड है इंडियन रेलवे से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और वो भी वन लाइनर जो कि एग्जाम्स में पूछने की मैक्सिमम संभावना है। और वो सारे फैक्ट्स जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो कई बार एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो इंडियन रेलवे से जुड़ी हुई फैक्ट्स जिनका आपके एग्जाम्स में आने का सीधे सीधे चांसेस बहुत ज्यादा है। तो गाइस इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि रेगुलर यहाँ पे रेलवे की क्लासेस डेली बेसिस पे चल रहे हैं और आपके सारे सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है, चाहे वो रीजनिंग से हो, चाहे वो करंट अफेयर से हो, चाहे वो मैथ्स से हो, वो सारी चीजें जो कि एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछने के मैक्सिमम चांसेस हैं वो सारी वीडियोस यहाँ पे आपको बहुत ही रिसर्च के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जैक्ट वे में एग्जैक्टली आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारी वीडियोज के नोटिफिकेशन एग्जैक्टली टाइम पे मिल सके। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखा हुआ है जिसको आपको याद करना है और आपको चेक करना है कि आपको कितना इसमें आता है और ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो चलिए जानते हैं पॉइंट वाइज क्या कुछ है यहाँ पे फैक्ट्स। तो भारत का एकमात्र राज्य में रेलवे मार्ग नहीं है, वो कौन सा राज्य है? तो आपको आंसर करना है भारत के एकमात्र राज्य में रेलवे मार्ग नहीं है तो वो कौन सा राज्य है? तो वो है मेघालय। मेघालय में आपका एकमात्र राज्य है जिसमें रेलवे मार्ग नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट है आपका, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला साप्ताहिक रेलगाड़ी कौन सा है और वो कहां से कहां तक चलता है? तो वो है विवेक एक्सप्रेस, जो है आपका साप्ताहिक चलने वाला सबसे लंबी दूरी तय करने वाला गाड़ी है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेलगाड़ी है जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। और ये कहां से कहां तक चलता है? तो ये असम से कन्याकुमारी तक चलता है। तो आपका तीसरा पॉइंट है, भारत में भूमिगत मेट्रो रेल की शुरुआत सर्वप्रथम कब की गई थी और कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर आप अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है और ये इंपॉर्टेंट चीज है, रेलवे से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिनका एग्जाम्स में पूछना बहुत जरूरी है, बहुत बार पूछा गया है। और क्योंकि रेलवे चाहे कोई भी एग्जाम हो वो अपने डिपार्टमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस जरूर करते हैं क्योंकि ये चीज स्टैटिक पोर्शन में आता है। तो इसे जरूर अच्छे से समझे, याद कर ले और ये वन लाइनर है, डायरेक्टली आप अगर दोहराओगे तो ये आपके दिमाग में छप जाएगा। तो भारत का भूमिगत मेट्रो रेल की शुरुआत सर्वप्रथम 24 अक्टूबर 1984 में कोलकाता में हुई थी। इसे याद कर ले, 24 अक्टूबर 1984 में कोलकाता में हुई थी आपका पहला भूमिगत मेट्रो रेल भारत में। और अगले पॉइंट में जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूं मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि एग्जैक्ट वे एक नया शो लेकर के आ रहा है जिसमें आपको एग्जैक्ट वे ट्रेंडिंग न्यूज एनालिसिस करेगा, जिसमें जो भी न्यूज आपके एग्जाम्स में सीधे आने के चांसेस है और जो भी चर्चित विषय है उस पर आपको पता है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में, आपके एग्जाम्स में, आपके मेंस में, आपके उन सारे पेपर में जहां पे करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें आपको वो डायरेक्टली देखने को मिलता है। तो उसी कड़ी में हम लोग वो सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, जो भी न्यूज आपका मैक्सिमम लोगों के दिमाग में है, मैक्सिमम लोगों के बीच में बातचीत किया जा रहा है, वो सारी न्यूज का एग्जैक्ट फैक्ट्स क्या है वो सारी बातें समझेंगे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी क्वेश्चन को भी हम लोग लेंगे। तो बहुत जल्दी ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है, उस सीरीज में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं बताऊंगा, जैसे लाभ का पद, जो दिल्ली में लाभ का पद को लेकर के दिल्ली के आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, तो वो क्या कुछ हुआ था और कौन से आर्टिकल को जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है लाभ के पद को लेकर के, और ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आखिरकार है क्या, क्या अगर बंगला गाड़ी सैलरी नहीं लिया जाए तो क्या लाभ का पद नहीं कहलाएगा जैसा कि दलील दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी से। तो वो सारी चीजें आपको उस ट्रेंडिंग न्यूज एनालिसिस में आपको मैं बताऊंगा। टीएनए एक नया शो चालू हो रहा है तो जरूर उन सारी वीडियोस को देखिए और आप अपने एग्जाम्स के लिए एक अच्छी प्रिपरेशन कीजिए और एक एग्जैक्ट प्रिपरेशन कीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, भारत का एकमात्र प्राचीनतम चालू इंजन कौन सा है और वो किस ईस्वी में बना था? तो भारत का एकमात्र प्राचीनतम चालू इंजन है फेरी क्विन और ये 1855 ईस्वी में बना था। तो फेरी क्विन 1855 ईस्वी, ये जरूर याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे यार्ड कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे लंबा यार्ड कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मुगल सराय में आपका भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे यार्ड
यार्ड है, तो मुगल सराय इसे जरूर याद कर ले। वन लाइनर है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? इसका आंसर आपको जरूर आना चाहिए। अगर आप बिल्कुल भी थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं, थोड़ा सा भी अगर अपडेटेड है, तो इसका आंसर आप जरूर कर लेंगे। इसका आंसर है गोरखपुर। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर, और जो कि है 1355 मीटर लंबा है ये, 1355.4 मीटर लंबा है ये, तो इसे जरूर याद कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये जनरल अवेयरनेस का ये कॉमन चीज है जो कि आपको आपके दिमाग में जरूर रहना चाहिए। भारतीय रेलवे में 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? भारतीय रेलवे में 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। और इस तारीख को रेलवे दिवस मनाया जाता है तथा 10 से 16 अप्रैल रेलवे सप्ताह मनाया जाता है। तो 16 अप्रैल को रेलवे दिवस होता है और 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक आपका रेल सप्ताह होता है। तो रेलवे से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, इनका आना बहुत हद तक जरूरी है और ये चीजें काफी बार पूछा भी जा चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व का दूसरी सबसे बड़ा रेल तंत्र है, इसे समझ लीजिए। भारतीय रेलवे एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल तंत्र है। फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किन के शासन में की गई थी और कब की गई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासन काल में की गई थी और 1905 ईस्वी में की गई थी। तो इसे समझ ले, याद कर ले, लॉर्ड कर्जन के शासन काल में की गई थी और 1905 ईस्वी में की गई थी। और इससे पहले कि ये नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी दूं, आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है, जरूर उसे दीजिए, ताकि इस टेस्ट के मदद से आप ये समझे कि आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में कहां स्टैंड करते हैं और कितनी अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो रही है। इस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं जीएसटी से रिलेटेड, 20 एमसीक्यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में जरूर आएंगे उनसे क्वेश्चंस, वो उस पे मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आपको आंसर करना, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो बहुत ही आसानी से आप आंसर कर लोगे, तो जरूर इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। और ये दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, व्हिच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रेटिफाई जीएसटी बिल, कौन सा स्टेट सबसे पहले जीएसटी बिल को पारित किया था, तो आपको इसका आंसर करना है। कमेंट सेक्शन में लिखकर के मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या है, और आपको मैं इसका सही आंसर बता दूंगा, बट आपको अभी खुद से कमेंट करके आंसर करना है। और अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो आपको वीडियो जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें 20 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताया गया है। और उसी सिलसिले में एक और क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, प्रेजेंटली हाउ मेनी कंट्रीज हैव इंप्लीमेंटेड जीएसटी, वर्तमान में कितने देशों में जीएसटी लागू किया गया है, भारत का मतलब कौन सा नंबर है जीएसटी को लागू करने में, वो आपको बताना है। अगर वो आपको पता होगा तो आपको ये क्वेश्चन जरूर करने में आसानी होगी, तो आप जरूर आंसर कीजिए। अगर आपका आंसर नहीं सही है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, और अगर आपका आंसर आपको आता है तो नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताइए कि क्या है इसका सही आंसर। तो चलिए अब जानते हैं स्लाइड में कि कौन से जोन का कौन सा मुख्यालय और स्थापना वर्ष क्या है। जैसे कि पहले नंबर पे आता है आपका दक्षिण रेलवे, इसका मुख्यालय जो है वो है चेन्नई में और इसकी स्थापना हुई है 14 अप्रैल 1951 में। फिर आपका दूसरा है मध्य रेलवे, मध्य रेलवे का आपका मुख्यालय है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में और इसकी स्थापना की गई है 5/11/1951 में। फिर आपका तीसरे में आता है पश्चिम रेलवे, और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है आपका मुंबई में चर्च गेट और इसकी स्थापना की गई है 5/11/1951 यानी कि 5 नवंबर 1951 को। फिर चौथा है पूर्व रेलवे, पूर्व रेलवे की मुख्यालय है कोलकाता में और इसकी स्थापना की गई है 1 अगस्त 1955 को। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि कई आप जिस जोन से फॉर्म भर रहे हैं उस जोन से आपको क्वेश्चंस जरूर पूछा जाएगा कि आप जिस जोन से फॉर्म भर रहे हैं आपको वो भी पता है कि नहीं कि उसका मुख्यालय कहाँ है और आपका स्थापना वर्ष क्या है, आपको उसके बारे में जानकारी है या नहीं, तो ये रेलवे इससे क्वेश्चन जरूर कर सकता है, क्योंकि रेलवे जानना चाहता है कि आप कितने स्मार्ट हो, आप कितने अवेयर हो अपने चीजों से, अपने जिस जोन से आप फॉर्म भर रहे हो उस जोन से आप कितना अवेयर हो, वो सारी चीजें यहाँ पे पूछ सकता है। तो फिर अब आया पांचवा नंबर उत्तर रेलवे का, तो उत्तर रेलवे की स्थापना कब की गई और क्या है इसका मुख्यालय, तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय है और 4 अप्रैल 1952 में इसकी स्थापना की गई। फिर छठे नंबर पे है पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे की जो आपका मुख्यालय है वह है गोरखपुर और इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1955 में की गई। फिर है दक्षिण पूर्व रेलवे जिसका मुख्यालय है कोलकाता और ये 1/8/1955 में इसका स्थापना किया गया। आठवें नंबर पे आपका पूर्वोत्तर सीमा रेलवे जो कि आपका मालीगांव में इसका मुख्यालय है और ये
15 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना की गई। नौवें नंबर पे आपका दक्षिण मध्य रेलवे और इसका मुख्यालय है सिकंदराबाद और इसकी स्थापना की गई 2 अक्टूबर 1966। और उसके बाद है आपका पूर्वी तटीय रेलवे जिसका मुख्यालय है भुवनेश्वर और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को की गई। यहाँ से आप जरूर याद करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये करंट है और करंट में आपको चीजें जरूर आना चाहिए। रेलवे भी इस चीज को लेकर के आपको मर्सी नहीं करेगा कि आपको करंट टॉपिक के बारे में भी अगर नहीं पता है तो रेलवे उस चीज पे मर्सी नहीं करने जा रहा होता है। तो उसी तरीके से आपका 11वां नंबर पे उत्तर मध्य रेलवे, इसकी जो अगर मुख्यालय की बात की जाए तो वो है इलाहाबाद में और इसकी स्थापना जो की गई है वो है 1 अप्रैल 2003 को। फिर उसी तरीके से आपका जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपका हाजीपुर है, पूर्व मध्य रेलवे की जो स्थापना दिवस है और ये कहाँ इसका मुख्यालय है, तो हाजीपुर इसका मुख्यालय है पूर्व मध्य रेलवे का और इसकी स्थापना की गई 1 अक्टूबर 2002 को। उत्तर पश्चिम रेलवे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जो मुख्यालय है वो है आपको जयपुर में और इसकी स्थापना की गई है 1 अक्टूबर 2002 को। उसी तरीके से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो है इसका जो स्थापना किया गया है 1/4/2003 को और इसका मुख्यालय है बिलासपुर। तो इसी तरीके से आप अपने जोन को जरूर याद कर लें कि आपके जोन का कहां है मुख्यालय और किस वर्ष उनका स्थापना किया गया, इससे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाने के चांसेस हैं, तो इसे जरूर याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको डेली रेलवे से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है और आपको डेली इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तैयारी भी कराई जा रही है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस पे भी वीडियो यहाँ पे मैं रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप रेलवे से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट वीडियोज देखना चाहते हो, ट्रिक्स देखना चाहते हो, तो उन सारी चीजों को लेकर के वीडियो बना चुका हूँ और उसके साथ ही ELP ग्रुप डी और साथ ही टेक्नीशियन का जो कि सैलरी है, क्या आपको जॉब प्रोफाइल है, क्या उनका प्रमोशन है, वो सारी चीजों पे आपको वीडियो डिटेल इन्फॉर्मेशन बनाया गया है, बता चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, तो जरूर देखिए। और कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस है तो उन पे भी वीडियो बन चुका है, तो उन सारी वीडियोस को जरूर देखिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक करके जरूर बताएं, शेयर करिए इसे अपने दोस्तों तक और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहे और साथ ही रेलवे से जुड़े इंपॉर्टेंट रेगुलर क्लासेस यहाँ पे आप उनको एंजॉय कर सके और अपनी प्रिपरेशन बेहतर ढंग से कर सके, तो जरूर सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। और अंत में आपके एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।